रहीम अस्सलाम वालेकुम। तेल मैंने गरम करके इसके अंदर चार अदद पीसी हुई प्याज मैंने ले ली, कुछ गरम मसाले हैं, अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गोश्त डाल दिए जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट, डेढ़ चम्मच। पुलाव इतना भून चुका है, इसमें हम 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे मसाले के हिसाब से। जब तेल पर आ जाए, मसाला पूरा भून जाए, फिर इसमें हम 2 गिलास पानी डाल के और गोश्त गलाने तक पकाएंगे। आधी चम्मच के बराबर कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हाथ से मैंने मसल लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए तेल आना ऊपर शुरू हो गया, हमारा मसाला पूरा अच्छी तरह से भून चुका है। अच्छा, इसमें टमाटर डालेंगे, लेकिन जब गोश्त गल जाएगा इसके बाद, तो हम इसमें पानी डाल के रख देते हैं। डाल रहे हैं इसमें, बस ये गोश्त डीप हो जाए इतना ही पानी डालना है हमें करके, और अच्छी तरह से हम गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, अब इसमें आलू डाल देंगे। 4 अदद मैंने टमाटर काट के रखे थे, आलू भी गल चुके हैं, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल के हिसाब से नमक भी डाल देंगे। डाल चुके हैं, चावल भी डाल चुके हैं, अब इसको कवर कर देंगे। ये हमारा गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो गया। मेरी रेसिपी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।